नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ सीमा बिंद। आली के जेएन इंटरनेशनल स्कूल में गांधी जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया। बता दें कि दीप नाम के छात्र ने दिल्ली स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल जीतकर स्कूल का और देश का नाम रोशन किया। साथ ही आपको बता दें कि दीप के इस पूरे सफर में उनके कोच आकाश शर्मा ने और उनके पूरे परिवार ने पूरा सहयोग दिया। वहीं उनके पूरे परिवार से उनके पापा उनके बहुत सहयोगी रहे। प्रतियोगिता में भाग लिए गए बच्चों को सर्टिफिकेट और गिफ्ट्स भी बांटे गए। इसी के साथ हुंकार 24/7 मीडिया की टीम को भी सम्मानित किया गया। My name is Deep. I study in JN International School. I am in 9th class. अभी आपने बॉक्सिंग में एक गोल्ड मेडल जीता है, क्या कहेंगे उस पर आप? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मतलब एक गर्व महसूस हो रहा है। तो आपका जो कंपटीशन था वो कहाँ पर हुआ है? वो नजफगढ़ में हुआ है, BM बॉक्सिंग एकेडमी में। और आप प्रैक्टिस कहाँ पे करते हो इसकी बॉक्सिंग की? NCR बॉक्सिंग क्लब। आपके कोच का आपको कितना सपोर्ट मिला है? बहुत ही सपोर्ट मिला है, वो बहुत ही प्रैक्टिस कराते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं, एक अच्छे कोच हैं। बात करें फैमिली की, तो फैमिली में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे मिला है? पापा से मिला है। और आपको पूरी इसमें राउंड में जो है किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? मतलब अगले बॉक्सर का देखना पड़ता है कि वो कब पंच मारेगा, कब नहीं मारेगा, टैक लेके खेलना है या फिर बच के खेलना है ये। जब आपने मतलब खेलने गए होंगे तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको हेजिटेशन हुई है? हाँ, होती है, जब फाइट आती है तो होता है थोड़ा बहुत। तो कितने राउंड में आपका क्लियर हुआ है? पहली जो दो बाउट थी वो मेरी RSA गई थी और जो लास्ट फाइनल बाउट थी उसमें 3 राउंड गए थे। तो कौन सी टीम के साथ था आपका कंपटीशन? ईस्ट से था। ईस्ट से? हाँ जी। क्या नाम था दूसरी टीम का? दूसरी टीम का नाम था आकाश दहिया, कुछ ऐसा नाम। आकाश दहिया, ओके। आई एम मिसेस तरुण अरोड़ा, प्रिंसिपल जेएन इंटरनेशनल स्कूल, एंड टुडे इट्स रियली अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। आई एम एसोसिएटेड टू दिस स्कूल सिंस 2 years, एंड वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ जेएन इंटरनेशनल हैज़ वन गोल्ड मेडल इन इंटरस्टेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। वाओ, आई एम रियली फीलिंग इलेटेड एंड ऑल द स्कूल इज़ रियली वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट। नो मैटर द पेरेंट्स मस्ट बी प्राउड, बट वी आर द सेकेंड पेरेंट्स एज ही इज़ आर स्टूडेंट, ही इज़ आर चाइल्ड, सो वी आर रियली फीलिंग वेरी प्राउड एंड दिस इज वॉट इज़ द रियल प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स दैट एवरी स्कूल शुड डू, सो वी आर ऑन दोज लाइन्स। मैम, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो बच्चे अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते या तो उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, उनको किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, फाइनेंस प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके लिए क्या कहेंगी आप? मैं उनके लिए ये कहूँगी, अभी ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट ने भी सुविधाएं दी हैं जहाँ पे वो बच्चों को सपोर्ट मिलती है, तो अगर स्कूल से वो अप्रोच करें ये चीज़ लेके कि यस मुझे ये वाली खेल खेलनी है, मैं कहाँ से मदद पा सकता हूँ, तो डेफिनेटली हम जो सपोर्ट उसको दे पाएंगे वो तो देंगे, बट एटलीस्ट उसको एक गाइडलाइंस भी दे सकते हैं कि यस आप यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं या ये हम आपके लिए कोच प्रोवाइड कर सकते हैं या आपको किसी के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं जो आपको हेल्प करें। सो दैट्स व्हाट इट। तो क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। सर, आज आपने एक बच्चे को प्रैक्टिस करी, उसने गोल्ड मेडल जीता, तो आज आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे प्रैक्टिस के द्वारा मेरे बच्चे ने एक गोल्ड मेडल जीता दिल्ली स्टेट में। आगे चल के दिसंबर में होने वाले नेशनल चैम्पियनशिप में ये पार्टिसिपेट करेगा और होप करता हूँ कि ये उसमें भी गोल्ड मेडल ही जीतेगा। दीप अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, NCR बॉक्सिंग क्लब की तरफ से इसको बहुत बहुत बधाई और मैं चाहता हूँ कि ये आगे भी इसी तरह से प्रैक्टिस करे और इंडिया दिल्ली का ही नहीं देश का भी नाम आगे लेके जाए, जिससे कि देश का भी नाम बहुत ऊपर जाए। सर, देखा गया कि बहुत से बच्चों में टैलेंट होता है लेकिन वो उनके पास ज़्यादा कोई मजबूरी के या उनके पेरेंट्स परमिशन नहीं होती है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो बच्चे अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, कहना तो ये चाहूँगा कि जो बच्चों पे टैलेंट होता है और वो किसी फाइनेंशियल कमी की वजह से या फैमिली सपोर्ट ना मिलने की वजह से नहीं कर पाते हैं, हमने जो क्लब ओपन किया है उसमें इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो, उन पर अगर किसी सुविधा की कमी है तो हम उसे पूरी कर सकें और ऐसे बच्चों का पूरी तरह से स्वागत किया जाएगा और उनको पूरी सुविधा दी जाएगी जिससे कि वो अपने साथ साथ अपने घर का, देश का और अपने दिल्ली का नाम आगे बढ़ा सके। हम पूरी कोशिश करेंगे ऐसे बच्चों को पूरी सपोर्ट दी जाए। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।